आ गए बाहर। और यहाँ का तो नज़ारा अलग है। अब हम लोग इस ब्रिज से राइट की तरफ जाएंगे जहाँ पड़ता है खोकसार, और यही रास्ता है आगे रोहतांग पास जाने के लिए, जो कि अभी तो बंद होगा, अगले साल मई में खुलेगा, बट उस रास्ते का मज़ा लेने हम लोग अब जा रहे हैं। ये सफ़र अपना लगभग 14 किलोमीटर का है और ये हसीन वादियाँ जो हैं आप इनका फुल मज़ा लीजिए। Thank you.
रामफोर्ड बंद हो गया, मनाली बंद हो गया। नो नेटवर्क, काइंडली मेक कॉल फॉर फैमिली मेंबर्स। यूं तो कई दिल ना लगाना। के बीवी का मूड बना है खाने का पीने का, मोमोस, मैगी, हॉट चॉकलेट, हमारा नजारा। कुछ हेलो कर दीजिए। सो हम लोगों को अटल टनल से वापस आते आते ही 5:15 बज गए। अभी हम लोग वापस हो ही रहे हैं, तो अब हम लोग सोलांग तो नहीं जा पाएंगे। रास्ते में था, अभी आगे भी पड़ेगा, बट हम लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो मे भी उसको कल या परसों में ट्राई करेंगे। अभी तो हम लोग चलेंगे वापस अपने रिजॉर्ट में। बट कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सिसु में बहुत बढ़िया, हम लोगों ने ज़िपलाइनिंग भी करी और स्नो एक्टिविटीज़ भी कर ली, तो काफ़ी बढ़िया। खाना वाना बहुत बढ़िया, तो धूप में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, खूब सारे बर्फ देखने को मिले। कुशु ने तो खूब बर्फ से खेला, मैं कम खेल पाई बिकॉज कुशु की वजह से। कुशु कुछ ज़्यादा ही सतानी कर रहे थे बर्फ में। अब बच्चे हैं तो मुझे लगा कि मजा आ रहा था, मैं ज्यादा देर तक रुकूंगी तो कुछ और उससे भी ज्यादा देर तक रुकेंगे। लेकिन हाँ, काफी अच्छा लगा, आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, ये हम याद रखेंगे। और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ आए और इन चीजों का फिर से मजा लिया जाए। ऊपर रोहतांग पास तक भी हम लोग गए थे। ये है कि हम लोग उससे क्रॉस नहीं कर पाए बिकॉज इतना ज्यादा बर्फ गिरा हुआ था कि उसे अभी बंद कर दिया गया। हाँ, तो रोहतांग पास तक नहीं गए थे, रोहतांग पास वाला जो रास्ता है उस पे गए थे, जहाँ से हम रोहतांग के लिए ऊपर चढ़ते हैं। वो रास्ता तो बंद हो गया, आपको तो पता ही है, वो मई में खुलेगा। हाँ, वो मई में खुलेगा अगले साल, तो अब उस समय ही फिर चला जाएगा। हम लोग तो उस पॉइंट तक गए ये देखने, क्योंकि उधर के जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ भी है बट वहाँ की थोड़ी सी अलग, क्योंकि उस तरफ ऊंचाई बढ़ जाती है और बर्फ पड़ती है। सभी घरों के ऊपर बर्फ दिख रहे थे, वहाँ तो काफी ज्यादा बर्फ था, तो अच्छा था। कोई नहीं, हम लोग वहाँ से वापस होने के टाइम वहाँ का मैगी ट्राई किए, फ्राइड मोमोज ट्राई किए, काफी अच्छा था। और क्या पिए हम लोगों ने? हॉट चॉकलेट भी पिए यहाँ पर, मतलब हॉट चॉकलेट तो जबरदस्त है, बढ़िया था। एक्चुअली हॉट चॉकलेट यहाँ का ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ का पानी काफ़ी अच्छा है, इस चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। और वेदर भी, और अकॉर्डिंग टू वेदर, ठंडे ठंडे में गर्म गर्म खाने और पीने का मज़ा ही कुछ और है, वो तो आपको भी पता है। तो बस बहुत ही अच्छा लगा, आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था।